गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो आवर एक्सप्लेनेशन इज रिमेनिंग ना, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 2, स्किपिंग शूज. सो हमने कहाँ तक किया था बेटा, किटी डांस करती है ना, तो उसके आगे हम लोग करेंगे आज. सो किटी लाफ्ड एंड बिगेन टू डांस, प्लीज्ड दैट देयर वॉज अ गुड साइड टू द शूज आफ्टर ऑल. तो किटी खुश हो जाती है कि शूज़ जो है उनका एक अच्छा साइड भी है, गुड साइड भी है. तो खुश होकर वो क्या करती है, डांस करना चालू कर देती है. एंड प्लीज्ड, खुश हो जाती है दैट देयर वॉज अ गुड साइड टू द शूज़ आफ्टर ऑल. ये शूज़ का एक अच्छा साइड भी है कि वो उसकी बात मानते हैं. तो शी ट्वर्ल्ड एंड ट्विस्टेड विद प्रीटी एरी बाउंस हर फीट बिविश्ड. ट्वर्ल्ड मीन्स डांस करना, ठीक है, मूव्ड राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमना, ठीक है. विथ प्रीटी एरी बाउंस मीन्स हल्के हल्के स्टेप्स के साथ डांस करना, और उसको ऐसा लगा जैसे उसके फीट मीन्स जो पैर हैं वो कैसे हैं, बिविश्ड. बिविश्ड मीन्स कुछ मैजिक हो गया है, अंडर मैजिक स्पेल, जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो. तो द गर्ल्स वर चार्म्ड एंड ट्राइड टू इमिटेट हर, ठीक है. तो जो गर्ल्स थी उन्होंने उसको इमिटेट करने की कोशिश की. इमिटेट मीन्स उसकी नकल करने की कोशिश की. बट नो वन कुड, पर कोई भी कर नहीं पाया. एंड शी डांस टिल द बेल रैंग, तो जब तक बेल नहीं बज गई, रिसेस ओवर नहीं हो गई, तब तक वो डांस करती रही. तो व्हेन किटी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची, तो हर सिस्टर सेड रन एंड पिक सम स्ट्रॉबेरीज फॉर लंच, कि दौड़कर जाओ और लंच के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ. आई एम टू टायर्ड, बट द शूज लैंडेड हर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉबेरी बेड विथ वन जंप. जैसे उसने बोला ओ आई एम टू टायर्ड, मैं थक गई हूँ, लेकिन शूज ने क्या किया, एक ही जंप के साथ उसको स्ट्रॉबेरी के जहाँ पर लगी थी ना स्ट्रॉबेरीज, वहाँ पर एक ही जंप में उसको लेकर चला गया, ठीक है. तो वंस द डिश वॉज फिल्ड, डिश मीन्स अब स्ट्रॉबेरीज किस में रखेगी, कोई डिश लेकर गई होगी उसमें रखेगी ना. तो जब वो डिश फुल हो गई, तो किटी वांटेड टू स्टे, किटी वहाँ पर रुकना चाहती थी एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, बट शी वॉज जिप्ड अवे इनटू द डाइनिंग रूम. लेकिन शूज ने क्या किया, उसको लेकर जिप्ड अवे मतलब रस्ट क्विकली, तेजी से, ठीक है, उसको डाइनिंग रूम में वापस ले गया. फिर क्या हुआ, इट्स डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक एरेंड गर्ल. एरेंड गर्ल मीन्स जिसको कुछ और जॉब्स करने में मज़ा आता है, मतलब कहीं बाहर जाना हो ना और कुछ अलग तरीके के काम करने में जो हैप्पी हो, तो उस टाइप की गर्ल एरेंड मीन उस टाइप की गर्ल है. सेड हर मदर, विल यू कैरी अ फ्यू बंडल्स टू सम पुअर पीपल लेटर, कि तुम पुअर पीपल तो गरीब लोग है ना, तो उनके लिए कुछ बंडल्स लेकर जाओगी, जैसे कुछ घर पर हम पूजा करते हैं या टेम्पल के बाहर लोग बैठते हैं, तो हम उनको क्या देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ क्लोथ्स देते हैं, है ना. तो वैसे ही उसकी मम्मा ने बंडल्स बनाकर रखे थे कि पुअर पीपल को जाकर दे दो. तो मस्ट आई, साइड किटी. किटी ने एकदम से बोला ओ मतलब मुझे जाना पड़ेगा. वाइल द शूज टैप्ड अंडर द टेबल, तो शूज ने क्या किया, नीचे टैप टैप की आवाज़ आई, ठीक है, कि रिमाइंडिंग हर दैट शी मस्ट whether she liked it or not. तो शूज़ ने क्या किया, टैप टैप किया, तो उसको याद आया कि ओ उसको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे नहीं. तो it would be kind, but you may do as you choose, replied mama. मम्मा ने बोला कि अगर तुम जाओगी तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारा जैसा मन करे तुम कर सकती हो. तो किटी क्या हुआ, sat very still, still मतलब एकदम जैसे थी वैसी बैठी रही थोड़ी देर, मतलब सोच में पड़ गई. तो शी वॉज डिसाइडिंग वेदर शी वुड गो प्लेजेंटली और नॉट. तो उस सोचा कि मुझे क्या करना है, खुशी खुशी चले जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, या फिर विस्ट अवे अगेंस्ट हर विल, मतलब बिना उसकी इच्छा के उसको जाना चाहिए, क्या करें, मतलब खुशी खुशी जाए या दिल नहीं है फिर भी जाए. तो शी फाइनली सेड चीयरफुली, आखिर उसने खुशी खुशी कहा, आई विल गो मम्मा, मैं जाऊंगी, एंड लेटर मे आई कम बैक थ्रू फेरी लैंड, लेकिन मैं वहाँ से आते हुए फेरी लैंड से होकर आ सकती हूँ, ठीक है, पूछा उसने मम्मा से. द प्लेस वेयर टॉल फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट,
फेरीलैंड क्या है? फॉरेस्ट में एक प्लेस है जहाँ पर लंबे लंबे टॉल फर्न्स ट्रीज लगते हैं। फर्न ट्रीज क्या होते हैं? एक ट्री का नेम है जिसकी लॉन्ग लीव्स होती हैं बट फ्लावर्स नहीं होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो उस वो ट्रीज वाली जगह पर फॉरेस्ट में उसको फेरीलैंड कहते हैं, तो मैं वहाँ जाकर आ सकती हूँ? तो परमिशन वॉज हैप्पीली ग्रांटेड, परमिशन मिल गई। एंड किटी ट्रॉटेड अवे विद अ बास्केट इन वन हैंड अ बंडल इन द अदर। अब परमिशन मिल गई तो वो खुशी खुशी ट्रॉटेड मतलब रनिंग फास्ट, ठीक है, तेजी से भागती हुई चली गई। एक हाथ में क्या था उसके? बास्केट इन वन हैंड एंड अ बंडल इन द अदर। और दूसरे हाथ में क्या था? बंडल था। कौन सा बंडल? जो उसकी मम्मा ने उसको दिया था। तो वंस शी हैड गिवन द सिक बेबी सम क्लोथ, तो उसने पहले सिक बेबी मतलब बीमार बच्चे को कुछ कपड़े दिए, ठीक है। द लेम गर्ल बुक्स, लेम मीन्स जिनकी लेग खराब होती है ना, कुछ चोट लगी होती, चोट मतलब क्या, कुछ प्रॉब्लम होती है पैर में, चल नहीं पाते हैं, एक पैर से चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेम, ठीक है। तो लेम गर्ल को बुक्स दी एंड द ओल्ड वोमेन मनी, और एक ओल्ड वोमेन को उसने मनी मतलब पैसे दिए। तो शी फेल्ट हैप्पी, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। एज पीपल ऑलवेज डू वैन दे डू काइंड थिंग्स, जैसा कि लोग अच्छा काम करते हैं ना तो अंदर से खुशी होती है, तो वैसे ही उसको भी लगा। तो किटी सून रीच्ड फेरीलैंड विच वॉज फिल्ड विद वाइल्ड फ्लावर्स, तो जल्दी ही किटी कहाँ पहुँच गई? फेरीलैंड, जहाँ पर वाइल्ड फ्लावर्स लगे हुए थे। अब फॉरेस्ट है तो वाइल्ड फ्लावर्स ही होंगे ना। तो किटी विश टू रेस्ट हर एकिंग फीट, तो अब किटी के पैर बहुत थक गए, दर्द हो रहा था उसके पैरों में, है ना, तो पैरों को आराम देना चाहती थी। एकिंग मीन्स दर्द करते हुए फीट, ठीक है। तो इमीडिएटली हर फीट फोल्डेड अंडर हर एंड शी सेट ऑन अ कुशन ऑफ मॉस, तो उसके पैर क्या हुए, समझ गए कि इसको दर्द हो रहा है, तो उन्होंने अपने ऐसे फोल्ड किए, जैसे हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं, देखो कैसे बैठी हुई है पिक्चर में वो, तो वैसे ही उसने पैर फोल्ड किए और उसको एक कुशन ऑफ मॉस मतलब नरम सॉफ्ट ग्रास के ऊपर उसको बिठा दिया, ठीक है। तो देन विद द थर्ड, थर्ड मीन्स अलाउड साउंड, एक आवाज़ के साथ कुछ जोर से कुछ गिरता है या बैठता है, तो थर्ड की आवाज़, थर्ड मतलब लाउड साउंड, ठीक है। तो एक थर्ड आवाज़ के साथ अ लार्ज ब्लैक क्रिकेट लैंडेड बिसाइड हर, तो एक लार्ज ब्लैक कलर का क्रिकेट, क्रिकेट इज अ इंसेक्ट, ग्रास होपर की तरह होता है, ब्लैक कलर का है तो दैट इज़ ए क्रिकेट, और ग्रीन कलर का है तो दैट इज़ ग्रास होपर, ठीक है। तो वो बैस के बाजू में बिसाइड मतलब पास में आकर लैंड किया, उसने वहाँ पर रुका, स्टेयरिंग एट हर क्यूरियसली, क्यूरियसली मतलब कि अरे ये क्या चीज़ है, कौन है ये जो हमारे फेरी लैंड में बैठी है। तो हेलो, आर यू रिलेटेड टू माई कज़न ग्रास होपर, क्या तुम मेरी कज़न ग्रास होपर से रिलेटेड रिलेटिव हो, क्योंकि तुम उसकी तरह ही क्या कर रही हो, यू टुक सच लॉन्ग लीव्स जस्ट लाइक हिम, क्योंकि तुम लंबे लंबे जंप मार कर आ रही हो, क्योंकि वो मैजिकल शूज़ पहन रखे थे ना, दैट्स वाई। तो क्रोक द क्रिकेट ने कहा, तो आई एम नॉट अ ग्रास होपर, मैं ग्रास होपर नहीं हूँ, बट आई हैव ऑन मैजिक शूज़ टूडे, लेकिन मैंने आज क्या है, मैजिक शूज़ पहने हुए हैं। आंसर्ड किटी सरप्राइज दैट ही अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड, उसको बहुत हैरानी हो रही थी कि वो क्रिकेट की सारी बातें समझ सकती थी, क्योंकि अब जैसे हम अगर किसी एनिमल को देखते हैं, एनिमल की आवाज़ होती तो समझ में तो नहीं आता ना कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन शी वॉज सरप्राइज कि उसको क्रिकेट की सारी बातें समझ में आ रही थी, ठीक है। देखो तो ओ इट्स मिड समर्स डे, तो क्रिकेट ने कहा ओ आज तो मिड समर्स डे है। अब मिड समर्स डे क्या है? दैट इज़ द डे व्हेन फेरीज प्ले प्रैंक्स, मतलब जो फेरीज है ना तो वो ज़मीन पर कुछ चीज़ों के ऊपर क्या करती है, प्रैंक मतलब जादू करती हैं कुछ अलग अलग तरीके का, ठीक है। दैट इज़ द डे इज 24th of June, ठीक है, उसको मिड समर्स का नाम दिया गया है। तो लोग बोलते हैं कि उस दिन फेरीज जो हैं वो किसी चीज़ के ऊपर मैजिक करती हैं, तो आज क्या है 24th of June। तो फिर क्या हुआ, द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट एंड देन द फन विल बी ओवर, तो जो मैजिक है ना तुम्हारे शूज़ के ऊपर वो कब तक रहेगा, सनसेट तक, जब तक सन छुप नहीं जाता है तब तक रहेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, फन जो है वो ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द शूज़ यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड ऑल्सो दो स्क्विरल्स फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज, तो इस शूज़ के कारण
तुम मुझे समझ सकते हो और वो स्क्विरल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, उनकी भी बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं। तो श्योर इनफ किटी हर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉइसेस सिंगिंग एंड लाफिंग एंड शी अंडरस्टूड एवरी वर्ड। तो इसी वजह से किटी ने सब आवाज़ें सुनी, गाने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़, एक एक वर्ड वो बहुत अच्छे से समझ रही थी सबका। तो शी टॉक्ड एंड प्लेड विद द स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज अंटिल टी टाइम। तो वो स्क्विरल्स और बटरफ्लाइज के साथ तब तक खेलती रही जब तक चाय का टाइम नहीं हो गया, टी टाइम नहीं हो गया, तब तक वो खेलती रही, बातें करती रही। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक फोर, जैसे ही क्लॉक में 4 बजे, अवे वेंट द शूज़ ओवर द पूल द हिल एंड द रोड टिल किटी रीच्ड होम। तो जैसे ही घड़ी में 4 बजे ना, तो शूज़ को तो पता है टाइम हो गया है, घर जाना है। तो किटी से पहले शूज़ अपने आप ही उसको खड़ा कर दिया शूज़ ने, और उसको फिर पूल पर से गई, हिल को पार किया, रोड पार की, और फिर किटी घर पहुंच गई। नाउ द सन विल सून सेट, आई मस्ट स्किप व्हाइल आई कैन। अब किटी ने सोचा कि सन तो छुपने वाला है, शाम होने वाली है, तो मुझे थोड़ी देर और जंपिंग करके डांस वांस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जब चाय ख़त्म हो गई तो उसने ऐसा सोचा। She waltzed around the lawn so prettily that her mother exclaimed, "She shall go to dancing school." Waltz means danced. उसने लॉन में इतना अच्छा डांस किया, इतना प्यारा डांस किया कि उसकी मम्मा ने बोला कि इसको तो कहाँ भेजूँगी मैं, डांसिंग स्कूल में। तो किटी skipped on, hopping on to learn some graceful steps before the day was done. तो किटी को था कि जब तक ये दिन पूरा हो तब तक मैं अच्छे अच्छे कुछ स्टेप सीख लेती हूँ डांस के, है ना। तो फाइनली हर मदर्स कॉल्ड, स्टॉप नाउ डियर एंड रन अप टू बेड, कि अब बस करो और बेड पर जाओ। तो अ फ्यू मिनट्स मोर बिगेन किटी, किटी ने बोला मम्मी प्लीज़ वन अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर और, कुछ मिनट और। बट वॉज ऑफ लाइक अ फ्लैश इन टू द बेडरूम, लेकिन तभी क्या हुआ, एकदम से उसके बेडरूम में लाइट आई, फ्लैश आया, फ्लैश मतलब चमक आती ना रोशनी, एकदम कुछ हुआ। एंड सून द सन वॉज गॉन, सन छुप गया, एंड द शूज बिकेम कॉमन वंस फॉर मिड समर्स डे वॉज ओवर। मीन्स कि सन छुप गया, उसके साथ साथ शूज भी नॉर्मल हो गए, कॉमन शूज बन गए, क्योंकि मिड समर्स डे वॉज ओवर। द किटी नेवर फॉरगॉट द लेसन शी हैड लर्नड, तो किटी को जो सीखा उसने कि मुझे अच्छा रहना है, काइंड बनना है, वो लेसन वो कभी नहीं भूली। शी रैन एरेंट्स विलिंगली, अब तो वो खुशी से जाती थी, पता ना कोई भी काम बोलो तो विलिंगली मतलब खुशी से, अपनी इच्छा से जाती थी। रिमेंबर द प्रीटी स्टेप्स एंड ऑफन थॉट ऑफ द इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स इन फेरीलैंड, और वो अच्छे अच्छे स्टेप्स जो उसने सीखे वो याद करती थी, और जिन फेरीलैंड में जिन लोगों से वो, जिन एनिमल से, इंसेक्ट से मिली, उनको याद करती थी, है ना। तो व्हेनेवर शी वाज अलाउड टू प्ले विद देम, जब भी उसको उनके साथ खेलने की परमिशन मिलती थी, शी हरीड अवे क्विकली एज इफ शी स्टिल वोर द मैजिक स्किपिंग शूज, तो वो इतनी तेज़ी से भाग के जाती थी जैसे उसने अभी भी वो स्किपिंग शूज, मैजिकल शूज पहने हुए हैं। समझ में आई आपको स्टोरी। किटी जब पहले उसको कुछ करना पसंद नहीं था, लेकिन मैजिकल शूज़ की वजह से उसको समझ में आया कि हमें दूसरों के साथ कैसा रहना है, काइंड और गुड, है ना। तो उसने बहुत कुछ सीखा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो अभी आपको क्या करना है, ये चैप्टर रीड करना है अच्छे से, बिल्कुल एक एक वर्ड, जितने डार्क बोल्ड वर्ड्स हैं ना बेटा, उन सबको आपको रीड करना है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स, ओके। तो टिल देन गुड बाय।